हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति का संसार। कैसे हो आप लोगों को? पब्लिक अच्छे होंगे और आप सब खुश। इस वजह से मैं भी बहुत अच्छी रहती हूँ। और आज आप है गुरुवार, तो आज हमारे घर पर 15 कड़ी। और ये देखिए, गुरुवार है तो पीला भोजन जरूरी है। 15 कड़ी जो मौसम तो डिमांड है भाई। मौसम आज हमारे यहाँ पहली बार हमारे यहाँ मानसून आया है, पहली बारिश हुई है, तो कुछ तो अच्छा बनना चाहिए। तो हम बिहारियों के हैं, तो भाई कोई भी ओकेजन होता है तो सब कढ़ी चावल ही बनता है। कढ़ी तो मैं भी बना रही कढ़ी। अगर आप ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, हमारे घर पर कढ़ी कैसे बनती है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे खट्टा दही। हमारे पास जो भी दही था, तो ये हम लोग बना रहे 5 लोगों के लिए, तो हमें चाहिए सबसे पहले खट्टा दही। उसको अच्छे से फेंटेंगे और फिर उसमें बेसन लेंगे। बेसन करीब वही आपको 100 ग्राम दही तो 100 ग्राम बेसन इक्वल क्वांटिटी में हमने लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा खट्टा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कढ़ी को। कढ़ी भाई बन रही है बेसन वाली, तो उसमें थोड़ा खट्टा भाई चाहिए। और ये फिर ये देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया था, तो उसमें से थोड़ा सा हम डालेंगे करीब 1 चम्मच के आसपास। और उसमें हल्दी और थोड़ा सा उसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर हमें मिक्स कर लेना है। और इधर हम लोग फ़ौरन के लिए हमने कट कर लिया हरी मिर्च, लहसुन, कड़ी पत्ता, जीरा और मेथी। अभी मेथी प्लेट में नहीं है, ये देखिए मेथी भी हमने रख लिया। और उसके बाद फिर साथ के साथ हम इधर कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि कढ़ी बनाना बहुत आसान है। उसमें 2 से 3 मिनट में सारे आपका काम हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी हमने सब बैटर लिया था, सारे मसाले, कढ़ी, बेसन, कढ़ी के लिए बेसन, दही, सब चीज़ उनको अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छे से इसका सबसे मेन चीज़ है ये कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और उसके लिए आपको चाहोगे कि बस चम्मच से मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इधर देखिए कढ़ाई हमारी हो गई है गर्म, और इधर मम्मी मेरी फेंट रही हैं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से फेंटने में तो प्रॉब्लम होती है, तो वो अच्छे से फेंट देती हैं। तो और इधर मैं डाल रही हूँ कढ़ी में तेल। हम लोग सरसों तेल खाते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा। उसके बाद फिर हमने कढ़ी के बैटर में डाला करीब 1 कटोरे के अप्रोक्स पानी। ये पानी अब अपने अंदाज से चाहे थोड़ा ज़्यादा भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कढ़ी जब उबलेगी तो फिर सही हो जाएगी। तो पानी के लिए सोचना नहीं है, आराम से आप पानी डालो और अच्छे से इसको फेंटना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ना बेसन के ना दही के, एकदम स्मूथ घोल तैयार हो जाना चाहिए। इधर तेल हमारा हो गया है गर्म और सरसों का तेल में हम लोग बना रहे हैं। आप जिस तेल में खाते हैं उसमें बनाओ। एक फ़ौरन का जो सामान हमने लिया था, अदरक नहीं लहसुन मिर्च, अगर आप अदरक खाते हो तो डाल सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खाते इसलिए हमने नहीं डाला। और इसमें हमने इसको फ़ौरन लगा दिया। फिर इसमें हमने थोड़ा सा डाला दालचीनी ऊपर से, क्योंकि हम लोग को दालचीनी को ज़्यादा जलाना नहीं, बस उसका फ्लेवर लेना है। तो अब उसको अच्छे से जब तक ये हमारे जो इधर साइड में देखिए, हम लोग फ़ौरन तो डाल दिया, इसके साइड में मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। पहली मानसून की बारिश आज मॉर्निंग में ही हुई है और चारों तरफ आसमान में बादल हुए हैं। अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ था। तो हम लोग इधर बना रहे हैं कढ़ी और ये हमारा फ़ौरन अब हो गया है तैयार। हमारे यहाँ ना कोई भी ओकेजन होता है, ना कोई भी नया पर्व हम बिहारियों के यहाँ, तब सबसे पहले हमें मेरी तरफ कढ़ी से ही शुरुआत की जाती है। अच्छे भोजन में शुभ अवसरों पे, शुभ कोई काम करने से शुरुआत में, या फिर कोई न्यू काम होता है तो उस पर हम कढ़ी बनाते हैं। तो ये देखिए, आज फ़ौरन जल गया था, मतलब पक गया था, चटक गया था, तो उसमें हमने डाल दिया अपना जो घोल तैयार किया था हमने बेसन और दही का वो। और अगर कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा तो प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग, मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, उसके बाद भी कहीं कहीं ना कुछ वॉइस तो आ ही जा रही है। तो इसके बाद इसको अच्छे से हम अब कुछ नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको करने के लिए, बॉईल होने के लिए छोड़ना है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसको बनाओगे तो ये क्या होगी कि आपका स्मेल मतलब पकेगा नहीं और स्मेल भी आएगा। तो ये देखिए कढ़ी हमारी करने लगी है धीरे 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 धीरे, अभी स्मूथली ये बनेंगे। और इसको बस यूँ ही चलाते रहना, कढ़ी को बीच में छोड़ना नहीं, इसको इसमें चलाते रहना है। और कढ़ी हमारी अब लगभग प्रिपेयर हो ही चुकी है, बनी चुकी है, क्योंकि देखिए कितना स्मूथ बन रहा है, दिख रहा है। ये कढ़ी बनकर अब हमारी रेडी ही हो चुकी है, तो बस इसको बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार। अब उसके साथ के साथ हम तैयारी कर रहे हैं इधर उसमें बड़ी के लिए, बेसन के हम लोग आज बड़ी भी बनाएंगे। तो हमने लिया इसके लिए बेसन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा जो हमने मसाला पीसा था वो मसाले हमने लिए, जो हमने कढ़ी में भी यूज़ किया था, बस
उसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको ज़्यादा घोल नहीं बनाना है। बस देखिए जो टेक्सचर मैं दिखा रही हूँ बस इसी तरह का टेक्सचर कि इसके बड़ी बन सके, इतना ही टेक्सचर इसमें रखना है। और हमारे यहाँ ना कोई भी ओकेजन आता है ना तो उसमें कढ़ी है कि ज़रूरी बनती है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा अगर आप चाहो तो, कि काफ़ी बड़ी इसलिए डाला जाता है कि बढ़िया स्मूथ बने। और इधर कढ़ाई हमने कर लिया है साफ़ और इसमें डालेंगे गैस जलाएंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। और देखिए अगर आपकी अच्छे से बड़ी फूलने के लिए हम लोग इसको जांचते भी किस तरीके से कि अच्छे से फेटेंगे, कि अगर बड़ी पानी में डाल के देखेंगे थोड़े से अगर वो ऊपर तैरने लगे तो समझिए कि आपकी जो बैटर है बड़ी का वो अच्छे से फिट आ गया है। अगर अच्छा फेटता है तो बड़ी बहुत स्मूथ और फुली फुली बनती है। हमारे यहाँ तो किसी भी ओकेजन में कढ़ी बनती है, भाई नया साल हो नया पर्व हो कोई हो तो पहले शुरुआत कढ़ी से ही होती है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी हो गई है तैयार और बड़ी भी हो गई है तैयार। अब हम इसको तलेंगे। बड़ी का जो बैटर हमने घोला था मेरी मम्मी ने वो तैयार हो चुका है और उसको हम तेल भी डाला कढ़ाई में। और ये वो चेक कर रही है एक कि तेल गर्म है कि नहीं। तो अभी तेल हमारा थोड़ा सा और 5 मिनट लगेगा गर्म होने में। नहीं, तेल हमारा गर्म हो गया और उसके बाद फिर अब हम डालेंगे उसमें अपनी बढ़िया। अब बस इसको ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा फेटा हुआ है। तुम गुलू लें ज़्यादा सेकें तो काले होने लगेंगे फिर, क्योंकि इसमें हमने डाला थोड़ा सा मीठा सोडा इस वजह से। तो जैसे थोड़ा सा सुनहरा होगा उसके बाद उसको हम उसमें से निकालेंगे। तो ये देखिए कलर अपना छोड़ने लगा है धीरे धीरे और 2 से 3 मिनट में ये बड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत लोग तो कढ़ी में प्याज के पकौड़े या फिर आपको चने के पकौड़े कचरी कुछ भी डालते हैं, लेकिन जो असली कढ़ी बड़ी होती है तो वो बेसन की ही बढ़िया ही डाली जाती है। तो आजकल तो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। ये हो चुका है अब हमारा रेडी। इधर साइड में हमने कर लिया थोड़ा सा गर्म पानी ताकि बढ़िया तल के निकलने के बाद हम उसमें डालेंगे। तो ये बढ़िया दी देखिए हमारी हो चुकी है, तल के निकल चुकी हैं। इसमें हमने डाला, इसी तरीके से हम बाकी के भी जो बैटर बचे हुए हैं की बढ़ियों को हम निकाल लेंगे और उसमें भी गर्म पानी डालेंगे। ये बढ़िया अब देखिए फूल चुकी है। अब इसको हम डालेंगे कढ़ी में और उसके बाद हमारी कढ़ी बड़ी वाली कढ़ी हो चुकी है, जाएगी रेडी एकदम खाने के लिए। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस भी साथ आपको मन हो इच्छा हो, आप जो चीज़ पसंद करो उसको खा सकते हो। ये लेकिन ये दोनों ऑप्शन के साथ चल जाता है, दोनों के साथ ही बहुत ही यम लगता है। और ये देखिए अभी कढ़ी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो। और हमारी कढ़ी बड़ी बनकर हो चुकी है, एकदम रेडी, लुक्स यमी। कितने लोगों के मुंह में पानी है तो प्लीज़ बताइएगा। और इधर कुछ लोग हमारे यहाँ बेसन की बड़ी नहीं खाते थे, साथ के साथ हमने इधर बना लिया था प्याज के पकौड़े और चने के पकौड़े। तो क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ जो चने के वाले पकौड़े भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग प्याज के पकौड़े नहीं खाते, कुछ लोग मिक्स खाते हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा पसंद को ध्यान में रखते हैं। साथ साथ हमने बना लिया कढ़ी के साथ साथ प्याज के पकौड़े भी और चने के पकौड़े भी। तो मौसम के अनुसार आज बहुत ही अच्छा, पहली बारिश थी तो इस अवसर पर दोनों काम हो गए। खाने का भी मन था वो भी बन गया और साथ के साथ हमारी कढ़ी बड़ी भी तैयार हो गई। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मी।